अगर तुमको ये लगता है ना कि तुम आज जिस भी सिचुएशन में हो वो दुनिया की सबसे खराब सिचुएशन है, तो दोस्तों यकीन मान करके पांच चीजें इमेजिन करो और उस पर काम करना। पहली चीज, अगर आपको ये लग रहा है कि आप दुनिया में सबसे ज्यादा परेशान आदमी है, तो सबसे पहले फुटपाथ पे चले जाओ, जहां भी रेड लाइट का एरिया हो, और वहां पे एक साइड देखना कि कोई छोटा सा बच्चा 10 महीने का 8 महीने का किसी पेड़ की छांव में लेटा हुआ होगा और उसके माता पिता उसी रेड लाइट पे भीख मांग रहे होंगे। अगर आपको ये लगता है कि आपकी सबसे खराब सिचुएशन है, दोस्तों ये मैं आपको ये नहीं बोलूंगा कि उससे आपको सीखना चाहिए, लेकिन मैं आपको ये चीज समझाना चाह रहा हूं कि उस फुटपाथ पे लेटा हुआ बच्चा और उसके जो पेरेंट्स है, देखो हर किसी को एट द एंड खाने के लिए कुछ तो चाहिए, तो वो सिचुएशन आपको ये सिखाती है कि उस हालात के अंदर भी वो बच्चा पल रहा है। मतलब आपको ये लगता है ना कि यार मैं अपने बच्चे को अच्छे तरीके से परवरिश नहीं दे रहा हूं, मैं अपनी करंट सिचुएशन से बिल्कुल भी सेटिस्फाइड नहीं हूं, तो उस सिचुएशन को इमेजिन कर लो कि वो कितनी खतरनाक सिचुएशन है कि उन लोगों के पास अपना सर छुपाने के लिए एक आसरा तक नहीं है, उसके बावजूद भी वो बच्चा पल रहा है, क्योंकि इसमें किसी और की मर्जी नहीं, ऊपर वाले की मर्जी है वो किस तरीके से पैदा होगा। कभी भी किसी भी फुटपाथ पे आप देखेंगे, किसी रेड लाइट पे देखेंगे, कोई ना कोई छोटे बच्चे 5 साल के 6 साल के आपसे कुछ ना कुछ मांगते हुए दिखाई देंगे, तो वो भी जी रहे हैं, वो भी पढ़ रहे हैं। सो देखो, जो दोस्तों लाइफ में आपके होना होगा ना वो तो होकर ही रहेगा, वो किसी भी सिचुएशन में होकर के रहेगा, लेकिन बस शर्त सिर्फ इतनी है कि आप उस सिचुएशन को अडॉप्ट कर लो, कोई भी सिचुएशन आपके साथ हो रही हो, अगर आपने हिम्मत के साथ उस सिचुएशन को अडॉप्ट कर लिया, उस सिचुएशन के साथ चीजों को हैंडल कर लिया, तो आप हर सिचुएशन में अपनी जीत हासिल कर लोगे। और ये बात तो उनकी हो गई जो कुछ भी नहीं कर रहे, सिर्फ भीख मांग के खा रहे हैं, और ये बात दूसरी होगी कि आपके पास तो सब कुछ अवेलेबल है, छत भी होगी, काम भी होगा, मेहनत भी कर सकते हो, तो आप और क्या चाहिए। दूसरा चीज, अगर आपको लगे ना कि यार मेरे को सबसे ज्यादा परेशानी है, तो किसी भी हॉस्पिटल के अंदर चले जाना, और हॉस्पिटल जाओ तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल जाना जहां पे फ्री में इलाज हो सकता हो या कम से कम फीस लगती हो, वहां पे लोग आपको मतलब लॉबी के अंदर पड़े हुए मिलेंगे, कोई एक्सीडेंटल केस आ रहा है, कोई किसी भी मतलब अनएक्सपेक्टेड केसेस आ रहे हैं, वो सिचुएशन आपकी सिचुएशन से बहुत ज्यादा बदतर है। कई बार ऐसा होता है कि 10-10 दिन 15-15 दिन महीना महीना भर उस इंसान को पूरा समय निकालना होता है। एक मेरे टेलर हैं जहां से मैं अपना कपड़े का काम करवाता हूं, उनसे उनके दिल की मैंने एक बार बात करी, उनका सबसे छोटा वाला बेटा ऑलमोस्ट 10 साल से हॉस्पिटल में, मतलब सोच के देखो कि एक इंसान का बच्चा ऑलमोस्ट 10 साल से 12 साल से हॉस्पिटल के अंदर, उस इंसान के मन में क्या बीत रही होगी। वो सुबह उठता होगा तो उसका ख्याल, रात को सोता होगा तो उसका ख्याल, काम करता होगा तो उसका ख्याल, तो आप तो कितने बेटर हो यार उनसे। तो अगर आपको कुछ सीख लेनी है ना तो हॉस्पिटल में चले जाओ। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, ध्यान से समझना, लाइफ में आपके पास सब कुछ होने के बावजूद भी आप किसी ना किसी चीज के पीछे भागते रहते हैं, कोई भी चीज समझ लीजिए, लेकिन कोई उस इंसान से पूछे जो सिर्फ और सिर्फ एक रात की रोटी कमाने के लिए भाग रहा है। कभी भी आप रोड पे देखेंगे एक रिक्शा खींचने वाले को, उसको एक जगह से दूसरी जगह तक सामान पहुंचाने का 50-100 रुपए से ज्यादा नहीं मिलता है, और उसकी मेहनत आपकी मेहनत से कई ज्यादा गुनी होती है। सर्दियों के समय में जब दिसंबर का महीना होता है ना, उस समय भी उसके शर्ट से, उसके टी शर्ट से ऐसा पसीना आता है कि मई जून की गर्मी से भी बदतर होता है। अगर सीखना है तो इससे सीखो। फोर्थ चीज आपको समझनी है दोस्तों, कुछ अगर अच्छा सीखना है तो मतलब 2 साल के बच्चे से लेकर के या 1 साल के बच्चे से लेकर के 14 साल के बच्चे के बीच में जो भी एज होती है ना, उस एज से सीखो। उस बच्चे के मन में बिल्कुल शांति होती है, वो बिल्कुल बेपरवाह होता है, खुश होता है, अपनी जिंदगी में इतना मजेदार होता है, तो बच्चा बनने की पूरी कोशिश कीजिए।
क्योंकि देखो आपको हर सेकंड अपनी लाइफ का इस तरीके से बच्चे की तरह बन के जीना होगा, क्योंकि आपको हर सेकंड हर एक मोमेंट ऑफ लाइफ को जीना होगा खुश होकर के, नहीं तो किस समय आपकी लाइफ में कौन सी टेंशन इंतजार कर रही है पता नहीं है। मेरे साथ भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हो चुकी हैं, बहुत सारी ऐसी घटनाएं हो चुकी है कि उससे कुछ ठीक कुछ दिन पहले मैं सोचता था कि मेरे साथ सब कुछ अच्छा है, लेकिन ऐसा नहीं होता दोस्तों। आपको कोई ना कोई चीज़ें कुछ ना कुछ ऐसी सबक दे ही जाती हैं जो आपकी लाइफ के लिए सबसे बड़ा होता है। फिफ्थ और मोस्ट इंपॉर्टेंट सिनेरियो सिचुएशन, कभी भी उस इंसान से पूछिए जो आपकी लाइफ में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कभी पेरेंट से कुछ सीखना, वो आपकी लाइफ को बनाने के लिए अपनी परवाह नहीं करते, कोई लोभ नहीं करते, बस एक चाह होती है कि जो मैं नहीं कर पाया हूं वो ये कर ले। सो दोस्तों, ये पांच सिचुएशंस अपनी लाइफ में आपको कुछ ना कुछ ही नहीं बहुत ज्यादा कुछ सिखा कर चलिए। बस शर्त सिर्फ ये है कि इन पांच सिचुएशन को जब भी आपको महसूस हो कि आप बहुत ज्यादा परेशान हैं तो इस सिचुएशन में आकर के देखना।